अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब खेरे से होंगे हाँ जी तो ये सुबह तकरीबन साढ़े सात बजे का टाइम है क्योंकि मैं उठ जाती हूँ अर्ली मॉर्निंग और बच्चे मेरे स्कूल चले गए थे और आज मैंने दलाल की जो है ना ते अलमारी को ठीक करना था कुछ कपड़े यहाँ बिखरे हुए थे तो वो मुझे था कि उसके अंदर अलमारी में ठीक करके रखती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ क्योंकि आगे आ रहा है वीकेंड तो और मुझे जो है ना बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मंडे वाला दिन जो है ना वो हमारा इतना खचल खुआवार होता है हम इतने थकते हैं हमसे लाइक मंडे ट्यूसडे ऐसा लगता है कि जैसे हमने कभी कोई काम ही नहीं किया हुआ और पूरा घर जो है ना वो बिखरा हुआ होता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है और जिस जिन्होंने मुझे ये सारे मैसेजेस किए है, हैं वो एक खा है उन्होंने मुझे कहा कि मेरा मंडे मुझे पता ही नहीं चलता मैं मंडे वाले दिन बहुत ही ख्वार हो जाती हूँ मंडे वाले दिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से मैनेज करूँ सारी चीज़ें तो मैंने उनसे दो चार क्वेश्चन किए और उनके आंसर्स जो मुझे एक्सपेक्टेड था वही थे तो क्या जी वो मंडे संडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन जो है ना बहुत अयाशी वाली जिंदगी गुजार देती है क्योंकि उनको लगता है कि बच्चों की छुट्टी मियाँ की छुट्टी मेरी भी छुट्टी है देखिए मैं आपको एक बात हूं हाँ छुट्टी सबकी होती है वीकेंड होता है लेकिन आ, आप अगर वो वीकेंड को डिवाइड कर लें डिफरेंट कामों के लिए ना तो आपको मंडे इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा द वे मुझे नहीं लगता सो so, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जहां पर आप जो है ना अपने मंडे को बहुत लाइट लेंगे और अपना वीकेंड भी बड़ा प्रोडक्टिव बनाएंगे बल्कि मंडे क्या आप पूरे वीक को जो है ना प्रोडक्टिव बना सकते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड पहली टिप क्या है डोंट स्लीप ऑल डे वेकअप बिफोर एवरी वन देखें अगर आप वीकेंड पे ये सोचेंगे कि सबकी छुट्टी है मेरी भी छुट्टी है और मैं जो हूं ना जब बच्चे उठ रहे हैं हस्बैंड उठ रहे हैं तब उठूंगी तो क्या होता है कि आपका वो ग्यारह बजे बारह बजे मुझे मुझे पता है लोग ग्यारह बारह बजे एक बजे भी उठते हैं जब सारी फैमिली उठ रही होती है तो उससे क्या होता है आप सफर करते हैं और घर वाले नहीं करते क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी है वो तो कोई काम नहीं करेंगे हस्बैंड की छुट्टी है वो तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करेंगे तो काम आपको करने ना तो वीकेंड को ज्यादा इंजॉय करना और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने किसी मुकाबला तो नहीं करना ना वो आप ही के बच्चे सो रहे हैं तो लेट देम स्लीप सबसे पहले उठ जाया करें सबसे पहले मतलब हस्बैंड से पहले बच्चों से पहले हर एक से पहले अपना डे सारा प्लान करें कि आज आपने क्या करना है और नेक्स्ट वीक के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं तो बेटर यही है कि सबसे पहले आप उठ जाएं लाइक अगर सारा घर उठ रहा है नौ दस बजे दस बजे समझे उठ रहा है तो आप साढ़े आठ उठ जाएं मुंह हाथ धोएं अपना मी टाइम एंजॉय करें अपना टीवी देखें कोई फेवरेट व्लॉग है वो कोई फेवरेट ड्रामा है वो देख लें अपनी स्किन केयर कर लें मॉर्निंग रूटीन कर लें जो नाश्ता करना है वो सारा प्लान श्लान करके सब कुछ ताकि आप उनके साथ सा, साथ ही ना सर झाड़ मुंह पहाड़ ना उठ रही हूँ अच्छा सा अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाए कि एक मदर लगे कि हाँ जी मदर हमारे उठने से पहले उठी है और उसने जो है ना सब कुछ तरीके से जो है वो मैनेज किया हुआ है और हमारे लिए बड़ा यमी किस्म का जो है नाश्ता बन रहा है सेकेंड जो टिप है ना मैं आपके साथ शेयर करी वो मैं करती हूं मैं अपना वीक जो प्रीवियस वीक होता है ना जो गुजर चुका होता है उसको रिव्यू करती हूँ उसमें बहुत से ऐसे काम होते हैं समटाइम्स जो कि मैं नहीं कर पाई होती है लाइक उस वीक में तो वो मैं अपनी जब लिस्ट बना रही होती हूँ ना तो वो मैं उसके अंदर डाल देती हूँ कि ये मेरा काम रह गया था ये मुझे करना है एंड मैं अपने वीक्स प्लान करती हूँ आप लोगों को पता है उससे ये होता है कि मेरा ना बहुत टाइम भी बच जाता है मेरी बहुत सी एनर्जीज भी बच जाती है मेरा बार बार लोगों से पूछने का नहीं होता ये क्या करूँ क्या पकाऊ क्या करना है ये वो तो वो सारी चीज़ जो है ना मैं एक टाइम पे ही अपना सुबह जब टू डू लिस्ट बनाती हूँ उसमें पिछला वीक को जो है वो मैं रिव्यू कर लेती हूँ कि अच्छा ये ये काम नहीं हुए थे तो ये वाले काम मुझे अगले हफ्ते में डाल देने प्रोडक्टिव लाइफ और प्रोडक्टिव वीकेंड या वीक गुजारने के लिए ना थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर किया करें आ, मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आजकल मैंने स्टार्ट की हुई मैं सुबह जब उठती हूं तो मैं तकरीबन कोई एक दस पंद्रह मिनट की स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ बिलीव मी इतने आ, अच्छे अच्छा फील होता है ना मुझे कि आपकी बॉडी जो है ना वो जब एक नींद वाले मोड से ना वो निकल आती है मुंह हाथ धो लें एक तो वो अच्छा है कि आपकी आंखें खुल जाती हैं दूसरा जब स्किन केयर हो उससे पहले जो है ना मैं थोड़ी सी एक हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा के मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ उससे ना मुझे फील होता है कि हाँ जी अब मैं जाग गई हूँ अब मैं उठ गई हूँ और अभी जो है ना मुझे अपने सारे काम जो है ना प्रोडक्टिव काम जो है ना वो अभी करने हैं हाँ जी तो ये देख सकते हैं आप मेरा जो है वो बेड बिल्कुल रेडी हो गया है सुबह सवेरे मेरा बेड रेडी हो जाता है बिल्कुल रेडी जब तक मेरे हस्बैंड बच्चों को ड्रॉप करके आते हैं ना उस वक्त वो जब आते हैं मेरा बेड बिल्कुल रेडी होता है सीरियसली आप एक अच्छी फीलिंग आती है जब आपका बेड रेडी होता है खैर एनी वेज नाउ कम टू द अदर पॉइंट दैट इज आई प्लान माई वीक फॉर द नेक्स्ट वीक मैं अपनी पूरी टू तो डू लिस्ट बनाती हूँ uh, किस लिए देखिए मैं आपको एक बात बताऊं मेरा ना पूरा मेन्यू बना हुआ होता है और मेन्यू मोस्टली जो है ना वो मैं अपने बच्चों के साथ लिख फ्राइडे वाले दिन क्योंकि हमारा वीकेंड ना थ्री डेज का ही समझो होता है ढाई दिन का फ्राइडे सैटरडे संडे फ्राइडे वाले दिन ही रात को आप बच्चों के साथ बैठ के पूछ लें कि आपने नेक्स्ट वीक क्या क्या खाना है उसकी सबकी ना लिस्ट बना लें टू डू लिस्ट एंड जर्नलिंग मेरा ख्याल है अगर आप एक ऑर्गेनाइज जिंदगी गुजारना चाहते हैं ना आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत और ऑर्गेनाइज हो आपको वक्त पे अपने लिए भी टाइम हो आपके पास तो आप जर्नलिंग करना शुरू कर दें मतलब अपना वीक हर चीज को प्लान करके करें वो ना वो अनऑर्गेनाइज लोगों की तरह नहीं कि जी उठ रहे हैं तो ये क्या पकाऊंगी तो उठ रहे हैं तो क्या खाऊंगी और उठ रहे हैं तो पता नहीं ये बर्तन कपड़े किधर हैं और कपड़े धुले भी हैं या नहीं है नहीं हर चीज को ना अगर आप एक रात पहले इस चीज़ पर ना मैं बहुत जोर देती हूँ आप लोगों को कि रात को ही पूरा प्लान बना लिया करें कि मैंने कल क्या क्या करना है और रात को ही चेक कर लिया करें जो कल मैंने लिस्ट बनाई थी उसमें से मैंने किया तो वीकेंड पे ही अगर आप अपने नेक्स्ट वीक का पूरा प्लान जैसे बच्चे आपको बड़े अच्छे आइडियाज देते मेरा बेटा तो इतने अच्छे आइडियाज देते मम्मा बिरयानी बना ले मम्मा फला चीज बना ले मम्मा ये वाली दाल बना ले तो मैं ना मुझे इतनी आसानी हो जाती बच्चे क्योंकि आपको ना बच्चों के अकॉर्डिंगली खाना बनाना होता है तो मेरा बेटा इतना अच्छा वीक मुझे प्लान करके दे देता है पूरी बता देता है ये बना दे ये बना दे ये बना दे ये बना दे तो मैं क्या करती हूं कि मैं उसकी लिस्ट बना लेती हूँ और फिर मैं अपनी ग्रॉसरी सुबह उठ के चेक कर लेती हूँ कि क्या क्या चीजें नहीं है अगर इन केस वो चीज मेरे पास नहीं है तो अगर हम बाहर का चक्कर लगा रहे हैं तो मैं जाके वो ग्रॉसरी की वो लिस्ट में से चीजें ले आती हूँ इसलिए ताकि मुझे ग्रॉसरी मतलब खाना पकाते प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े कि मैं बार बार चीज़ें मंगवा रही हूँ एक ही दफा जाए पेट्रोल का खर्चा भी कम करें जब एक ही दफ़ा निकलते हैं ना तो वो सारी चीज़ें जो आपने प्लान की हैं फॉर योर नेक्स्ट वीक आपको पता हो और आप वो ख़रीद के लें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो है ना ये ग्रॉसरी का ही करना है खाना बनाने का ही करना है आपने बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने वीक्स को डिवाइड कर लेना लाइक मेरे घर में मंडे मॉर्निंग को आई मोस्टली वॉश ऑल माई टावल्स मेरे सारे जो तोलिए है ना वो मंडे मॉर्निंग को धुल जाते सवेरे सवेरे मतलब रात को मैं अपने मशीन के अंदर वो डाल देती हूँ सर्फ डाल देती हूँ और सुबह उसका टाइमर ऑन होता है वो सुबह तकरीबन सात बजे मेरी मशीन खुद ही ऑन हो जाती है क्योंकि उसके अंदर वो एक फीचर है जिसमें आप उसमें टाइमर लगा देते हो तो इतने घंटों के बाद खुद ऑन हो जाती है खुद ही वो कपड़े क्योंकि ऑटोमेटिक खुद ही कपड़े धो लेती है अगर इनकेस आपके पास ये मशीन नहीं है तो आपने रात को ही टोकरी में कपड़े डाल के मशीन के साथ रख दिए जैसे ही आप सुबह उठी आप अपनी स्किन केयर से पहले मशीन में कपड़े डाले सर्फ डाला मशीन को कपड़े लगा लिए ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े कि जी मैंने अब तोलिए गंदे हैं सारे आप तोलियों का अलग दिन बनाए मंडे वाले दिन मैं तोलिए धोती हूँ ट्यूसडे को मैं कपड़े कोई नहीं धोती वेडनसडे को मैं फिर अपने बेटे के जैसे कपड़े निकाल के धो लिए फिर एक दिन छोड़ के बेटी के निकाल के सारे धो लिए फिर एक दिन अपने और अपने हस्बैंड के धो लिए एक दिन तलाल के धो लिए इस तरह करके ना अगर आप चलेंगी ना तो आपको पता होता है कि कपड़े कितने हैं और कितने हैं। मिक्स करके अगर धोएंगी वो आपकी मर्जी है लेकिन मैं मिक्स करके मोस्टली ज्यादातर नहीं धोती मैं हर एक अलग अलग धोती हूँ मेरे बच्चों के कमरे में उनकी जो है ना बकेट्स पड़ी हुई हैं वो कपड़े डालते हैं और मैं जाके उनसे उठा के ले आती हूँ दैट्स इट तो अपना वीक पहले से प्लान कर ले क्या पकाना है किधर जाना है क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है आपको सीरियसली मंडे वाले दिन ये फील नहीं होगा कि सारी जिम्मेदारी मुझ पर और वीकेंड तो मैंने सोने में गुजार दिया Like every सैटरडे मैं जब अपनी टू डू लिस्ट बना रही होती हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक मैं अपना बजट भी बनाती हूँ तो मैंने एक एक मिसाल दी थी पिछले व्लॉग में टेन थाउजेंड रुपीज की मुझे पता है टेन थाउजेंड रुपीज ना किसी की पे है आजकल और ना ही तीन हजार रुपये किराया होता है मैंने आप लोगों को एक क्लियर करने के लिए जैसे अब एक लाख रुपए है आपकी तो फिर मुझे इतने मैसेज आते हैं हमारी तो एक लाख रुपये नहीं है तो मैंने इसलिए दस हजार कहा था कि ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से कोई काम करना है तो इतने उसमें मुझे मैसेज आ गए कि तीन हजार रुपए तो कहीं किराया नहीं होता बड़े स्माइल वाले भेजे थे तो मैं आपको एक बात बताऊं मैंने मिसाल दी थी ठीक है तो बजट जो है ना विच इज वेरी मस्ट कि अगर आप पहले से ही अपने अगले हफ्ते का बजट बना लेते हैं मैं पता क्या ट्राई करती हूँ मैं मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ फिर मत कहिएगा कि एक हजार रुपये नहीं होता देखिए मैं आपको ये मिसाल दे रही हूँ कि अगर मैंने एक हजार रुपये का खर्चा किया है ना तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आठ सौ रुपये खर्च करूँ ठीक है ताकि मुझे दो सौ रुपए की बचत हो जाए तो वो ये है कि जब आप बजट बनाते हैं दोबारा आपको इस पॉइंट पर क्यों लेकर आई हूँ ताकि वो कल वाली कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए और आपका जो वीकेंड है ना उसको भी मैं पूरे वीक डे सुकून वाला गुजरे कि आपने अपना प्रॉपरली बजट बनाया हुआ है और आपको पता है कि मुझे क्या क्या चीजें खर्च करनी कितने पैसे खर्च करने और कितने पैसे लगाने हैं तो और अभी विंटर्स आ रही हैं तो बच्चों की शॉपिंग है जो भी है ना तो आप अपना वीकली बजट जरूर बनाएं आ, अगर आप वीकली बजट नहीं बनाएंगे तो आप कभी भी ऑर्गेनाइज जिंदगी नहीं गुजार सकते प्रिपेयर एंड योर मेल्स इसका मतलब क्या है मैं मोस्टली आपने मुझे देखा होगा मैं संडे बाजार जाती हूँ वहां से सब्जियां फ्रूट्स लेकर आती हूँ या फिर मैं मंडी चली जाती हूँ थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा मेरे घर से दूर है लेकिन मुझे जो सब्जी जो आ, रेट्स मिलते हैं वहां पर वो मुझे मेरे घर के करीब नहीं मिलते मेरे घर के करीब अगर वहां पर प्याज मिल रहा है ना सौ रुपए किलो तो मेरे घर के करीब वो डेढ़ सौ रुपए किलो होता है तो कोई बात नहीं है अगर आपको पता है कि आपके घर के पास महंगाई का जो है वो अरूज पे है तो ट्राई किया करें कि आप मंडी से या किसी ऐसी जगह से संडे बाजार में तो संडे बाजार अगर आप जा रहे ना सब्जी लेने तो ट्राई किया करें कि आप रात को मकरब से थोड़ी देर पहले जाए उस वक्त वो ना अपनी सारी सब्जियां इतनी सस्ती बेच रहे होते हैं आपको कोई महंगी चीज लगेगी नहीं आपको बस वो कह रहे होते हैं बस ले जाओ तो कोशिश किया करें कि अगर आप मगरब से थोड़ी देर पहले जाएं क्योंकि मैं तो सब्जी वब्जी और जैसे मसाले वगैरह लेने जाती हूं तो मैं मगरब से थोड़ी देर पहले जाती हूँ अगर पांच बजे अब मगरब हो रही है ना तो मैं तकरीबन साढ़े चार बजे पहुंच जाऊंगी और अपनी सब्जियां सब्जियां जो भी मुझे खरीदनी होती मसाले खरीदने होते हैं वो सारे मैं उधर से जाके तो खरीद लेती हूं नेक्स्ट वेरी वैलिड पॉइंट है या टिप है पिक द आउटफिट वो आउटफिट आपका भी हो सकता है वो आउटफिट आपके बच्चों का भी हो सकता है वो आउटफिट आपके हस्बैंड का भी हो सकता है तो होता क्या है कि जब वीक मींस वीकेंड होता है ना तो मैं uh, जब जॉब करती थी उस वक्त मैं ना अपने कपड़े निकाल लेती थी बच्चे तो यूनिफॉर्म पहन के जाते थे हस्बैंड भी मेरे जो है वो जो कपड़े उन्होंने पहनने होते थे वो भी मैं अलग कर लेती थी तो अब ये है कि आप लोगों को मैं बता रही हूं कि अगर आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके कपड़े अगले हफ्ते के अगर दो दिन एक ही सूट पहन के जाते हैं तो वो हैंग कर दें आप जॉब करती हैं तो वो कपड़े हैंग कर दें बच्चों का यूनिफॉर्म है वो सारा तो खैर सब भी करते हैं बट कोशिश किया करें ना वो सारे काम ना सैटरडे को कर लिया करें ताकि संडे जो है ना आपका बहुत हैक्टिक ना गुजरे ये कामों को ना आप इन ढाई दिनों में ना डिवाइड कर लें तो पिक योर आउटफिट इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन अपने हस्बैंड के बच्चों के सारे का चीज़ें जो है ना वो पहले से ही सैटरडे वाले दिन पिक करके रख लें ताकि पूरा वीक ना आपका बड़ा ही अच्छा ऑर्गेनाइज गुजरे थोड़ी सी वीकेंड पे आपको जो है थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बट आपका पूरा वीक इतना ऑर्गेनाइज जाएगा कि आप मुझे दुआई देंगी इतना अच्छा लगेगा आपको कि पूरा वीक मैंने इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं की जितनी जितनी की मुझे करनी चाहिए थी अब मैंने पूरा वीकेंड पर ही अपना सारा काम जो है ना वो कंप्लीट कर लिया अच्छा द नेक्स्ट टिप इज डिक्लटर एंड क्लीन मैं मोस्टली अभी भी आपने देखा होगा कि मैं ना कपड़े शपड़े ये सब निकाल देती हूँ टाइमली मतलब वो सारे जो वीकेंड जब होता है ना मेरे पास तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ बेटा क्या चीज़ है जो आपने नहीं पहननी जो आपको फील हो रहा है कि आप नहीं पहनोगे आगे या आपको यूज नहीं करनी वो कोई भी चीज हो सकती है तो वो मेरे बच्चे मुझे ला के दे देते क्योंकि मैं अगर कोई अब क्योंकि वो दे आर इन ग्रोइंग एज ग्रोन अप्स हैं तो मैं ना उनसे बगैर पूछे कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ या फेंकती क्या मैं दे देती थी पहले बहुत ज़्यादा लेकिन अब मुझे होता है कि नहीं मुझे बग़ैर उनके पूछे बिना नहीं देनी चाहिए दैट देट सेट तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं आ, उनसे पूछ लेती हूँ वो मुझे दे देते हैं मेरा घर जो है ना मेरी अलमारियाँ डिक्लटर हो जाती हैं उनकी अलमारियाँ डिकल्टर हो जाती हैं एंड yeah. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिर मैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है वो अपने कमरे वीकेंड्स पर बहुत अच्छे से साफ़ करती इवन दॉश दे आर वाशरूम्स इवन आई हैव अ हेल्पर बट मोस्टली वो अपने वॉशरूम्स ख़ुद करते हैं मेरा बेटा बिल्कुल उसको पसंद नहीं है कि उसके कमरे में कोई इंटरफेयर करे सो ही क्लींस हिज रूम ही क्लीन्स हिज वॉशरूम एंड वो सारे अपने काम खुद करता है विच इज अ गुड थिंग कि बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें ये बात याद रखें बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देनी है आपने उनके अंदर ये चीज डालनी है अदरवाइज जब बच्चे देखते हैं ना स्पून फीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो वो फिर कोई काम नहीं करने, कर, करने जोगे होते तो वीकेंड पर ना उनको ये काम पकड़ाएं कि आपने अपने कमरे को डिक्लेटर करना है आपने अपने कमरे को क्लीन करना है तो उनको हेल्प आउट भी करें और बिलीव भी वो बड़ा इंजॉय करेंगे जब वो खुद ही अपने कमरे को साफ कर रहे होते हैं Thank <laughs> लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इन्जॉय फैमिली टाइम वीकेंड्स पे ना अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया करें मैं अपने बच्चों के साथ मूवीज देखती हूँ uh, मैं अपने बड़े बेटे के साथ समटाइम्स फुटबॉल का मैच देखती हूँ जिसके मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता मुझे समझ में नहीं आती बट आई सेट एंड आई वॉच क्यों क्योंकि वो टाइम मैं अपने बेटे के साथ गुजार रही होती हूँ दलाल के साथ तो सारा दिन गुजरता है बट देन मैं अपनी बेटी के साथ उसकी फेवरेट कोई मूवी देखती हूँ हम दोनों बड़े लाइक सीजन स्टार्ट करके देखते हैं बच्चों के साथ ना बॉन्डिंग बनाया करें और वीकेंड चिकन पिना उन, उनको टाइम दिया करें uh, सारा दिन तो बेचारे जब आते हैं इतने थके हुए होते हैं कि उनको तो आते ही सो जाते हैं और इतना उनके पास टाइम ही नहीं होता बट ट्राई टू इंजॉय द टाइम विद दम ऑन वीकेंड्स मैं पॉपकॉर्न बनाती हूँ पॉपकॉर्न की रेसिपी मैं दूंगी उस दिन मैंने स्टोरीज शेयर करती हूँ हाँ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया हुआ तो ज़रूर फॉलो करें वहाँ पर मैं बहुत लेटेस्ट स्टोरीज डाल रही होती हूँ तो मैंने पॉपकॉर्न बनाए थे तो किसी ने मुझे कहा था उसकी रेसिपी शेयर कर दें तो आई विल बी शेयरिंग द रेसिपी विद यू ऑल बट ये है कि मैं जो है वो कोशिश करती हूँ कि मैं वीकेंड जो है ना अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा वाला गुजारूँ तो वीकेंड पे सिर्फ ये नहीं कि आपने खच्चल ख़ुआरी होना है अपने वीकेंड को इन्जॉय भी करना है हाँ जी तो ये जो जितनी भी मैंने आपको टिप्स दी हैं आई होप आप लोग इनको जब अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में बहुत फील होगा कि बहुत चेंजेस आई हैं क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाएंगे कोई और नहीं लेकर आ सकता और अगर आप अपनी लाइफ टफ बनाएंगे कोई और नहीं बना सकता उससे ज्यादा टफ तो अपनी लाइफ को आसान बनाएं कामों को डिवाइड करें एंड बी ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज रहेंगे तभी सारे काम होंगे अदरवाइज वही ना फोड़ापा ही होता है इंसान में कि जी लेटे रहो लेजी रहो लेजी नहीं रहना आपने अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना है अपने वीक को प्रोडक्टिव बनाना है थोड़ा सा वीकेंड पे एफर्ट करके हाँ जी तो अब मैं आपको जरा थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ खाना बना लिया था फिर मैं गई थी थोड़ी सी क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं मेरे साथ तो थोड़ी ग्रोसरी लेनी थी जैसे नाश्ते वाश्ते का सामान मैंने लेना था फ्रॉम ग्रीन वैली चली गई थी क्योंकि वो मेरे घर के करीब पड़ता है बाकी जगह जो है वन तो मैं मेट्रो जाती हूँ बट मेट्रो इज़ वेरी फार फ्रॉम माई हाउस और मैंने पूरी ग्रॉसरी तो करनी ही नहीं थी मैं तो बहुत थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी तो वो लेने के लिए हम चले गए थे और ये होता है कि बच्चों के स्नैक्स वगैरह वहाँ बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं मतलब अगर आप ग्रीन वैली जाते हैं ना तो सैंडविचेस बड़े अच्छे होते हैं खैर मेट्रो में भी बहुत अच्छे होते हैं कारफूर भी बहुत अच्छे होते हैं इम्तियाज भी बहुत अच्छे होते हैं ग्रीन वैली ना थोड़ा सा लोगों को लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइट पे हाँ उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं बट ग्रॉसरी वगैरह और चीज़ें देखिए ना तो वो बिल्कुल रीजनेबल प्राइ प्राइस पे होती है एंड सबसे अच्छी बात यह कि उस पर प्रमोशन्स बड़ी अच्छी लगती हैं कि वो थोड़ा सा सामान जो थोड़ा सा उनका होने वाला होता है ना जैसे ओल्ड होने वाला होता है मतलब ओल्ड मतलब ये एक्सपायरी थोड़ी सी करीब हो जाती है तो वो सही उसको प्रमोशन वाली जगह बना के ना तो उसे बेचते हैं अगर आप लोग उधर जाए ना तो आपको अच्छा फील होगा सुखैर ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी इन शाला इन मैं नेक्स्ट व्लॉग टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआ मुझे याद रखिएगा टेक केयर एंड